सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे HCC यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो डिस्क्लोज किए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं इसके रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलने वाला स्टॉक के ऊपर, तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग इसका हाईलाइट देखना चाहो तो यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना भाई, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके जो रिजल्ट्स है वो कैसे, लास्ट में पढ़ लेंगे ये भी भाई। तो चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं सबसे पहले और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो कैसा रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखो कि हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर, ऑल फिगर इन रुपीज लाख में सॉरी करोड़ में दिया गया। अभी यहाँ पर क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर के दौरान जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो क्या अभी 1,432 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी 1,835 करोड़ की और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 1,870 करोड़ की। यानी कि देखा जाए तो क्यू ऑन क्यू एंड ईयर ऑन ईयर दोनों जगहों से जो इसकी इनकम है ना भाई वो टूटी है। इसके अलावा हाफ ईयर में भी देखोगे इनकम जो है अभी प्रीवियस के मुकाबले डिक्रीज होते हुए नजर आए, तो ओवरऑल इनकम डिक्रीज हुई है। इसके अलावा एक्सपेंस आप लोग देखोगे यानी जो खर्चे किए कंपनी ने, तो करंट क्वार्टर में एक्सपेंस कैसे हैं 1,350 करोड़ के, जो प्रीवियस में क्या थे अभी 1,835 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,862 करोड़ के। तो प्रीवियस क्वार्टरों से जो एक्सपेंस है वो कम हुआ है भाई, बट अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है, मतलब फिर से कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। प्रॉफिट कितना चलिए देखते भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी करंट क्वार्टर के दौरान जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया हुआ लगभग 63 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6 करोड़ का ही प्रॉफिट था। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है अभी। बिफोर टैक्सेस आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में यहाँ पर भी जंप आया है, तो ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स रहे हैं अभी। हालांकि रिवेन्यू जरूर टूटे, अभी इसके जो रिवेन्यू प्रीवियस के मुकाबले जरूर कम हुए हैं लेकिन प्रॉफिट अच्छा बनाया है। अर्निंग पर शेयर आप लोग देखोगे यानी कि EPS लगभग 38 पैसे रहे, जो प्रीवियस में 1 पैसे था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4 पैसे प्लस। तो ये इसके रिजल्ट्स अभी प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स है, पीछे के मुकाबले रिवेन्यू सिर्फ टूटते हुए नजर आए। एसेट्स वगैरह यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये जो टोटल एसेट्स है इसकी वो इंक्रीज़ हुई है पीछे के मुकाबले, ठीक है। और कंपनी के ऊपर डेट वगैरह हमें जो देखने को मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप लोग देखोगे जो डेट है वो पीछे के मुकाबले कम किया कंपनी ने एंड लॉन्ग टर्म में इंक्रीज हुआ इसका 200 करोड़ के करीब डेट, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे 2 करोड़ के अलावा, इसके अलावा आपको और तो कुछ खास अपडेट नहीं देखने को मिल रहा है इसके अंदर। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं इन्हें भी देख लेना वीडियो को पॉज करके, और ये रिवेन्यू सेगमेंट से भी ये देखना चाहो तो इसे देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। और ये नोट्स जरूर पढ़ना भी अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो। तो चलिए अब देख लेते भी इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। इससे पहले आप लोग देखोगे डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो पीछे के मुकाबले कंपनी ने कम किया भाई। एंड ऑपरेटिंग मार्जिनस और देख लेते भी, इसके ऑपरेटिंग मार्जिनस की बात की जाए तो प्रीवियस क्वार्टरों के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं, और नेट प्रॉफिट मार्जिनस PV पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं, तो मार्जिनस में काफ़ी सुधार देखने को मिला है भाई। तो कुल मिलाकर रिजल्ट्स ठीक है, इम्पैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए और बाकी कल पता चलेगा भी। और ये देखोगे यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज भी पता चल जाएगा कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ टर्नओवर, आप लोग देखोगे इसका किस प्रकार से रहा है, ठीक है। तो EBITDA आप लोग देखोगे काफ़ी शानदार है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ आप लोग देख सकते हो, तो ठीक है कुल मिलाकर इम्पैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए और बाकी कल पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।